हम प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं कि क्लासरूम के दौरान जो हैं वो प्रोसीजर्स ऐसे क्या होने चाहिए जिनसे क्लासरूम प्रोसीजिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो आइए देखते हैं कि और दूसरे कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल्स फॉर अटेंशन कि जब टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्लासरूम प्रोसीडिंग्स या अपना लेसन डिस्टर्ब किए बग़ैर जब ट्रांजिशंस की बात करते हैं जब ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनादर एक्टिविटी जाते हैं तो मसलन वो कैसे स्टूडेंट्स को सिग्नल कर सकते हैं एक तरीका जो है वो ये है क्या वर्बल एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं right. या आप ये कह सकते हैं नाउ वी मूव टू अनादर एक्टिविटी तो जो वर्बल क्यूज हैं वो स्टूडेंट्स को जहनी तौर पर तैयार कर देते हैं कि अब एक्टिविटी जो है वो उसका रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है या एक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो गई है और अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो वर्बल क्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके अलावा अगर आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करना चाहते हैं या यू आर जो मेकिंग आ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू एन तो आप क्लासरूम के किसी और एरिया की तरफ जाकर खड़े हो सकते हैं स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि अब हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं या इसके अलावा आप एक घंटी बजा सकते हैं घंटी बजाने का मतलब यह है कि एक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हो गई है और अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू ट्रांसेंड फ्रॉम वन एक्टिविटी टू एन अदर विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द क्लासरूम इसके अलावा जब आप ओवरहेड का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बंद करके और दोबारा चलाकर आप ये सिग्नल कर सकते हैं कि अब हम एक और एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं या एक और कॉन्सेप्ट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं सो दैट इज अ सिग्नल दैट यू गिव टू द स्टूडेंट सो सिग्नल्स फॉर अटेंशन जो है दैट अगेन बिकम्स एन अम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन द क्लास रूम टू मेंटेन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स और टू अवॉइड मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इन द क्लास अब जब स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी के ऊपर तो फिर वट काइंडियस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम और उनको आपने जहनी तौर पर कैसे तैयार किया हुआ है कि जब वो अपनी सीट के ऊपर बैठे हैं सो वट आर फ्रॉम देम फॉर एग्जाम्पल वा टाइप ऑफ टॉक इज अलाउड वट टाइप ऑफ टॉक इज अलाउड वेन दे आर सीटेड विद ईच अदर वेदर दे आर सीटेड इंडिविजुअली इन पेयर्स

मालूम होना चाहिए इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं, उनको जो है कैसे हासिल करना है अगर कोई किताब लेनी है या टीचर के डेस्क से कोई चीज उठानी है तो उसको उठाने का क्या तरीका है विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लासरूम प्रोसीडिंग्स इसके अलावा हम जब काम खत्म अपना कर लेते हैं जब जल्दी काम खत्म कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है इफ यू फिनिश आर वर्क अर्ली तो उसके बाद हमारे ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि रेडी हैं इन प्लेस हैं विच स्टूडेंट्स कैन यूज एंड कैन देन रिवर्ट टू दोज काइंड ऑफ इशूज एंड बिहेवियर्स टू अवॉइड डिस्ट्रप्टिव इशूज इन द क्लासरूम ये स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है इसी तरह क्लासरूम से हटके जब स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में या कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ क्लास है तो वहां पर कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो अलाउड हैं और कौन से डिसलाउट है फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू सेट रूटीन फॉर दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिटीरियल जो लेबोरेटरी में मिटीरियल हैं या प्रोजेक्ट वर्क के दौरान मिटीरियल रिक्वायर्ड है उनको कैसे हैंडल करना है कोई लड़ाई ना हो ताकि स्टूडेंट्स की और जो डिशियसली हम तमाम जो मिटीरियल्स हैं उनको दें और उनकी हैंडलिंग करें इसके अलावा सेफ्टी रूटीनस क्या है हाउ कैन वी डील विथ सबस्टेंसेज मिटीरियल्स बाई रिमेनिंग सेफ अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स क्या हैं हमने लेबॉरिट्री में और प्रोजेक्ट वर्क के दौरान बिहेव कैसे करना है मूवमेंट जो है देर हैज़ टू बी कंट्रोल ऑन योर मूवमेंट मूवमेंट जो है वो एक्सटेंसिव ना हो क्लीन अप करना है हमने जब लेबॉरेट्री में या प्रोजेक्ट वर्क के दौरान काम करना है तो हमने प्रॉपरली क्लीन अप करना है सो दीज आर एक्सपेक्टेशन एंड रूटीन्स विच मस्ट बी सेट इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट इन योर क्लासरूम